हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट 2 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रैक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज बीटा पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स विद मैटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीटा पार्टिकल्स क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बीटा डिके प्रोसेस में, और एक बीटा डिके प्रोसेस जो होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव प्रोसेस, जिसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल्स जिसको हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या फिर बीटा प्लस पार्टिकल्स जिनको हम पॉजिट्रॉन्स भी बोलते हैं। बीटा डिके क्या होता है, ये क्यों होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ऊपर आई बटन क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपने बीटा डिके और बीटा पार्टिकल के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। आज हमारा टॉपिक जो है वो बीटा डिके नहीं है, उसके टाइप्स नहीं है। आज हमने डिस्कस करना है कि बीटा पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, क्योंकि बीटा पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका जो इंटरेक्शन होता है वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स से थोड़ा अलग होता है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ये लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका जो इंटरेक्शन रहेगा मैटर के साथ वो थोड़ा अलग रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जो बीटा माइनस पार्टिकल है मीन्स इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारा बीटा माइनस डिके है, जिसमें एक न्यूक्लियस था, उसने एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट किया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया अपने अंदर से, और वो कन्वर्ट हो गया एक न्यू न्यूक्लियस में, जिसका मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 1+ हो जाएगा, साथ में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा प्लस डिके की इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पॉजिट्रॉन एमिट होता है, बीटा प्लस पार्टिकल एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, इनका मास सेम होता है, बट इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो ऑपोजिट साइन का होता है, इसमें -1 यूनिट चार्ज होता है, इसमें +1 यूनिट चार्ज होता है। अब इन दोनों का जो इंटरेक्शन रहेगा मैटर के साथ वो कैसा रहेगा, वही आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि बीटा माइनस डीके में कैसे बीटा माइनस पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और बीटा प्लस डीके में कैसे बीटा प्लस पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन एमिट होता है। इसके ऊपर हम पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, उन वीडियोस को मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में आता है कि डिस्कस इंट्रैक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स या फिर बीटा पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स का मैटर के साथ, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिख के आएंगे और कैसे इस टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके सर्टेन न्यूक्लियाई एमिट बीटा पार्टिकल्स विच आर आइदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एंड आर लाइट चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, और बीटा पार्टिकल्स तो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं जिनको हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं, और एक होते हैं पॉजिट्रॉन्स जो कि बीटा प्लस पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं, जो कि बीटा प्लस डिके में प्रोड्यूस होते हैं, और ये होते हैं लाइट चार्ज पार्टिकल्स, और इनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इनका जो इंट्रैक्शन है मैटर के साथ वो बहुत ही अलग होगा। द मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीटा माइनस पार्टिकल्स एंड पॉजिट्रॉन बीटा प्लस पार्टिकल्स विद मैटर विल बी डिस्कस सेपरेटली। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के दो सब टॉपिक्स बनेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिट्रॉन्स कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइट चार्ज पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक बीटा प्लस पार्टिकल्स जिनको पॉजिट्रॉन्स बोलते हैं, और एक होता है बीटा माइनस पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो दोनों का जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन मैटर के साथ क्या रहेगा, पॉजिट्रॉन का जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ कैसा रहेगा, वो हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में 1 by 1। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट पहला पार्ट इस टॉपिक का, जो कि है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बीटा माइनस पार्टिकल्स विद मैटर। हमने टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले हम इंट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मैटर के साथ, फिर हम इंट्रैक्शन स्टडी करेंगे पॉजिट्रॉन्स की मैटर के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन है मैटर के साथ वो उनके एनर्जीज पर डिपेंड करता है कि आपके इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की
एनर्जी कितनी है, तो उन्हीं के हिसाब से, उसी एनर्जी के हिसाब से हम जो इंट्रैक्शन है उसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फॉर वेरी स्मॉल एनर्जी दैट इज अप टू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैन बी स्कैटर्ड इलास्टिकली बाय आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ द मीडियम। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम बहुत कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मैटर के ऊपर फॉल करवा रहे हैं, तो एनर्जी जो हमने यहाँ पर लेनी है फर्स्ट पॉइंट में, वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लेनी है। तो उस 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने इंसिडेंट करवाने हैं मैटर के ऊपर। और ये है मैटर के एटम्स का स्ट्रक्चर, जिसमें एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके चारों तरफ होंगे ऑर्बिट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने यहाँ पर पहले फॉल करवाने हैं लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स। ये है वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो हमने इस मैटर के ऊपर फॉल करवाई। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जब हम लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करवाते हैं किसी मैटर के ऊपर, तो उस मैटर के मीडियम के एटम्स जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देते हैं इलास्टिकली। यहां पर इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, इलास्टिक स्कैटरिंग बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोल रहे हैं, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जब हम कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है मैटर के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलास्टिकली स्कैटर हो जाता है। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, इसमें सिर्फ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती है। ये हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी वो बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये होता है इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास से डेविएट हो जाएगा जब उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, मीन्स 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जब लगभग होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे और फर्स्ट पॉइंट में आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ये था फर्स्ट पॉइंट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी, तो वहाँ पर इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाती है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की बाय आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। For slightly higher energy, the incident electron can penetrate the outer cloud of electrons and scatter inelastically by atomic electrons. ये है हमारे outer electrons, ये वाले बाहर वाली shell के, सबसे बाहर वाली shell के electrons को बोलते हैं outer electrons। और जो इसके अंदर वाली shells हैं, चाहे वो ये वाली shell हो चाहे वो ये वाली shell हो, इस shells में present electrons को बोलते हैं हम atomic electrons। जब आप incident electron की energy 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कर देंगे, तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो इन आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, मींस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन से नीचे वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वहां से इनकी स्कैटरिंग होगी, और वो जो अब स्कैटरिंग जो होगी इनकी, वो स्कैटरिंग जो होगी वो इनलास्टिक स्कैटरिंग होगी। मींस यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, इनलास्टिक स्कैटरिंग बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस केस में इनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर इनलास्टिक स्कैटरिंग हुई है बाय द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इनइलास्टिकली स्कैटर्ड हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, साथ में एनर्जी का लॉस भी होगा। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद जो एनर्जी इनको मिली है, ट्रांसफर हुई है, उस एनर्जी का कैसे आगे यूज होगा, यूटिलाइज होगी, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। तो इसके बाद के जो दो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट देखते हैं बाकी बचे हुए दो पॉइंट्स। फॉर स्टिल हाई एनर्जी द इंसिडेंट पार्टिकल पेनिट्रेट द आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन रीच क्लोज टू द न्यूक्लियस। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी और एनर्जी बढ़ा दीजिए, तो होगा क्या, वो थोड़ा और अंदर चला जाएगा एटम के अंदर, वो आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट कर जाएगा और साथ के साथ न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, और वहां पर उसकी इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगी किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड केस। यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, थोड़ी ज्यादा हो चुकी है,
और वो आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट करता हुआ न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, ये है हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ से ये स्कैटर हो जाएगा, ये है हमारा इनइलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस। सेकंड केस में जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रही थी, यहां पर जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है वो न्यूक्लियस के द्वारा हो रही है। यहां पर भी एनर्जी का लॉस होगा, जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा और जो हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा, यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। वो एनर्जी लॉस जो है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, पाथ भी चेंज होगा, पाथ भी डेविएट होगा इलेक्ट्रॉन का, और साथ साथ एनर्जी लॉस भी होगा, और ये काम कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, फॉर वेरी हाई एनर्जी अप टू MeV द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस एंड लीड्स टू द एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में कर देते हैं, तो सीधा जो उसका सामना होगा वो न्यूक्लियस के साथ होगा। तो होगा क्या, जब इतनी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर न्यूक्लियस की एक्साइटेशन हो जाएगी, न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ केस, ये थर्ड केस था, ये हमारा फोर्थ केस है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी MeV की रेंज में होगी तो डायरेक्ट जो इसका इंट्रैक्शन होगा वो न्यूक्लियस के साथ होने वाला है, और यहाँ पर जो है इस न्यूक्लियस की हो जाएगी एक्साइटेशन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस एक्साइटेशन। तो इन चार पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, मीन्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स का, वो मैटर के साथ वो कैसे उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये तो अभी हमने ओवरव्यू लिया है, जो अभी पूरी पिक्चर जो है अभी बाकी है, अभी हमने डिटेल में स्टडी करना है कैसे जो हमारी जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा इनइलास्टिक स्कैटरिंग में वो कैसे यूज होगा, कैसे एनर्जी का लॉस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा कि कैसे बीटा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन जो है मैटर के साथ कैसे उनकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे वो वेज जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज कर सकता है। आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्हाइल पासिंग थ्रू द मैटर इलेक्ट्रॉन्स कैन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मैटर में से पास करते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी किस किस मैकेनिज्म से किस किस वेज में लूज कर सकते हैं वो अब हमने पढ़ना है। पहला जो वे है जिस वे में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाते हैं जब वो मैटर में से पास करते हैं, वो है इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था स्टूडेंट्स कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलास्टिक और इनइलास्टिकली स्कैटर्ड हो रहा था बाय द बाउंड एंड आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड कर रहा था सब कुछ उनकी एनर्जीज के ऊपर। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी का लॉस होता है और इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी होगी कुछ एनर्जी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के कारण बंधे हुए हैं इस ऑर्बिट में रहने को मजबूर हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी एनर्जी देगा कुछ पार्ट। उससे हो क्या सकता है, उससे दो केसेस हो सकते हैं। पहले केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन से कुछ एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में जा सकता है, हायर ऑर्बिट में जंप लगा सकता है, अपना ऑर्बिट छोड़ के, यहाँ से ऑर्बिट छोड़ के अपना ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी रिसीव करके इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिसीव करके अपने ऑर्बिट से अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, एक्साइटेशन ऑफ द एटम, एक पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को मीन्स बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन ये एटम को ही छोड़ के चला जाए, एटम में से ही बाहर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलकर बाहर आ जाए, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा क्योंकि उसने कुछ नेगेटिव पार्ट लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। पहले एटम न्यूट्रल था, इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में आपका
पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, या तो एटम की एक्साइटेशन हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर हायर ऑर्बिट में जा सकता है, और या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली एटम को लीव कर सकता है, जिससे पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू अ बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो उससे दो केसेस बन सकते हैं, एंड रेज इट टू एन एक्साइटेड स्टेट। जो इससे होगा क्या, जो हमारा बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पर प्रेजेंट था इनिशियली, वो हो सकता है अपनी अपना ऑर्बिट छोड़ के हायर ऑर्बिट में चला जाए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। अगर एक्साइटेशन नहीं हो रही तो दूसरा केस बन सकता है, वो केस क्या होगा, और कैन मेक द बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टू लीव द एटम नोन एज आयनाइजेशन ऑफ एटम। या फिर इतनी एनर्जी वो दे देगा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इस बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को कि वो एनर्जी वो इतनी एनर्जी दे लेगा बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन से कि वो एटम को ही छोड़ के चला जाएगा, जिससे इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम। तो यहाँ पर ये होगा। अब एनर्जी का लॉस का जो फॉर्मूला होगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का, वो फॉर्मूला क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इस इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो फॉर्मूला हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर, और देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट सिंबल जो यूज हुए हैं उनके मीनिंग्स भी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन विद बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स का इनइलास्टिक कोलिजन होगा बाय बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ कितना होगा उसका फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको एज इट इज ही लर्न करना है। तो वो फॉर्मूला होता है माइनस डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई ई की पावर 4 एन जेड लॉग ई 1.16 एम नॉट वी स्क्वायर बाय 2 आई बार डिवाइडेड बाय एम नॉट वी स्क्वायर। अब मैं आपको डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पर जो स्मॉल एन यूज हुआ है वो है कि मैटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने प्रेजेंट है, मीन्स नंबर डेंसिटी है ये मैटर की, जो मैटर टू मैटर जो है वो चेंज होती है, यही एन है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द एब्जॉर्बिंग मटीरियल। जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर, ये भी एब्जॉर्बर टू एब्जॉर्बर वैरी होगा एटॉमिक नंबर जो है। एम नॉट जो है रेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स है 9.31 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। वी है वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कि चेंज होगी डिपेंड करेगी एनर्जी के ऊपर। आई बार है मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एब्जॉर्बर। हर एक मटेरियल के लिए मीन एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग अलग होती है, तो आई बार जो है वो यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा है मीन एक्साइटेशन एनर्जी को। तो इस रेट के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा पर यूनिट लेंथ, और माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, माइनस साइन इसलिए यहाँ पर आ रहा है डी ई अपॉन डी एक्स है एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज कर जाता है जब वो मैटर में से पास करता है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे सेकेंड मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी वाइल पासिंग थ्रू अ मैटर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था पिछले सेक्शन में कि कैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इनइलास्टिक कोलिजंस के द्वारा अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर सकते हैं, और हमने एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला भी लिखा था। वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था, बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था हमने पिछले सेक्शन में, वो फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी से कम होती है, और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 0.511 MeV। जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस वैल्यू से कम होगी तभी वो इक्वेशन वैलिड होगी। जब हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, तो कैसे एनर्जी का लॉस होगा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की, आइए वो देखते हैं। रेडिएटिव इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एनर्जी जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर होता है रेडिएटिव इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, When energy of incident electrons are very large, greater than 1 MeV, then it passes close to the nucleus with very high velocity. तो होगा क्या students? ये हम third case discuss कर रहे हैं, जब electron की velocity, incident electron की velocity 1 MeV से ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि इस case में है, greater than 1 MeV है, greater than rest mass energy of electron है, तो ये जो electron है, वो बिल्कुल nucleus के पास से होके गुजरते हैं, electrons के ऊपर था negative charge,
न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो लगातार कम होती जाएगी और मींस कहने का मतलब यह है उसका होगा डीएक्सेलरेशन, मींस रिटार्डेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा, तो ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसका पाथ तो डेविएट होगा ही होगा, साथ के साथ ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी भी लूज करेगा और जब मूविंग चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है तो रेडिएशन एमिट होती हैं जो कि फॉल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इस केस में हमारे पर्टिकुलर केस में जब 1 MeV से ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरता है तो जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एमिट होती हैं और वो फॉल करती हैं एक्सरे रीजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो अलग अलग होगा, अलग अलग वेलोसिटी से डिक्रीज आएगा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर आपको जो एक्सरेज देखने को मिलेंगी वो अलग अलग वेवलेंथ की देखने को मिलेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के बीच में, यहाँ पर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं, यहाँ पर हम वेवलेंथ ले लेते हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की जो है आपको एक्सरेज देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम वेवलेंथ टू हाईएस्ट वेवलेंथ और हर एक रेंज की आपको एक्सरे देखने को मिलेगी हर एक वेवलेंथ रेंज की। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या होगा। In this case, the incident electron experiences strong Coulomb force of attraction due to nucleus and is suddenly slow down and suffer diffraction in its path. जब इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि कोलंबियन इन नेचर होता है और दोनों जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में कोलंब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। Due to retardation, the electron emit EM radiations which fall in X-ray region of EM spectrum. क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिटार्ड हो रहा है, उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो ये EM radiations emit करेगा जो कि X-ray region में fall होंगी। Due to different losses in velocity of incident electrons, X-rays of all possible wavelengths are emitted, so continuous spectrum of X-rays are produced. क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंसिडेंट होंगे, उनकी जो वेलोसिटी में जो डिग्रीज आएगा वो अलग अलग अमाउंट से आएगा, तो आपको अलग अलग वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपको एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलने वाला है वो कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम मिलने वाला है जिसके अंदर हर एक वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज आपको देखने को मिलेगी और ऐसी रेडिएशंस को जो कि कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम के अंदर हमें मिलती हैं, ऐसी रेडिएशंस को स्पेशल नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशंस जो कि जर्मन वर्ड है। ब्रह्मस्ट्रॉन्ग को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस और जर्मन वर्ड इसका जो है वो ब्रह्मस्ट्रॉन्ग है, ऐसी रेडिएशंस को जो इस फिनोमेना के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी जो बची लाइनें हैं वो हम इस टॉपिक को जो फॉर्मूला निकलेगा एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का स्पेशली केस नंबर 2 के लिए वो क्या होगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन की रिटार्डेशन के कारण प्रोड्यूस हो रही थी जो कि एक्सरे रीजन में लाइक कर रही थी जो कि कॉन्टिन्यूस नेचर की थी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखने को मिल रहा था एक्सरेज का, तो ऐसे रेडिएशंस को बोला जाता है दीस रेडिएशंस हैविंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड ब्रह्मस्ट्रॉन्ग BREMSTRAHULNG विच इज अ जर्मन वर्ड एंड मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशंस। तो ऐसे रेडिएशन जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली होती हैं ऐसे रेडिएशंस को ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशंस बोला जाता है। इनका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लूज हो रही थी उसके कारण जो रेडिएशन एमिट हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ऐसे रेडिएशन को बोलते हैं ब्रह्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में व्हाट इज ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशन, तो आप सेकंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक लिख देंगे ब्रह्मस्ट्रॉन्ग तक, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको, व्हाट आर ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशन, व्हाट आर ब्रेकिंग रेडिएशन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। The energy loss per unit length is given by minus dE by dx is equal to z square n divided by ae plus m naught c square. तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे पिछले केस में था, स्मॉल छोटा सा फॉर्मूला है। वेर n इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द अब्सॉर्बिंग मटेरियल, ए मास नंबर है अब्सॉर्बर का, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी लॉस होगा, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो एनर्जी लॉस को इंडिकेट कर रहा है। ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज ही लर्न करना है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं जिन मेथड्स के थ्रू इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज कर सकता है मैटर में से पास करते हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वे बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी बाई पासिंग थ्रू अ मैटर। तो स्टूडेंट तीसरा प्रोसेस है इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस।
The incident electrons can have velocity collision with the nucleus. As a result of these collisions, electrons are deflected without any radiative loss or excitation of nucleus. जब इलास्टिक कोलिजन होता है न्यूक्लियस का, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट तो होता है, उसका पास डेविएट तो होता है, बट ना तो कोई रेडिएशन समिट होती है जैसा कि सेकंड केस में हो रही थी ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशंस, और ना ही न्यूक्लियस की एक्साइटेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, एक तो पहले केस में हमने एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकाला था, माइनस डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी। फर्स्ट केस में जो एनर्जी लॉस आ रहा था वो आयनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम ऑफ अब्सॉर्बिंग मटेरियल आ रहा था, तो हम उसको नाम देंगे माइनस डी ई बाई डी एक्स आयनाइजेशन। तो फर्स्ट केस में हमारे पास एनर्जी लॉस आया था पर यूनिट लेंथ। और जो सेकंड केस में प्रीवियस सेक्शन में जो हमारा एनर्जी लॉस आया था माइनस डी ई बाई डी एक्स, वहां पर रेडिएटिव लॉसेस के कारण आ रहा था क्योंकि वहां पर रेडिएशन एमिट हो रही थी, तो उसको हमने दे दिया, उसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ड्यू टू रेडिएशन। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी लॉस होगा वो जो पहले वाले दो एनर्जी लॉस निकाले एक फर्स्ट पॉइंट में एक सेकंड पॉइंट में, उन दोनों एनर्जी लॉसेस का सम होगा। पहला जो एनर्जी लॉस होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी लॉस कहलाया जाता है, और जो सेकंड एनर्जी लॉस होगा उसे रेडिएशन रेडिएटिव एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ कहलाया जाता है। तो माइनस डी ई बाई डी एक्स टोटल जो होगा वो उन दोनों का सम होगा। और जो जब इनका रेशियो निकाला गया रेडिएटिव एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का और आयनाइजेशन एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ड्यू टू आयनाइजेशन के कारण, तो जो एनर्जी का जो एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो निकल गया है इनकी फर्स्ट केस सेकंड केस और फर्स्ट केस का एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ का, तो वो इतना निकल गया ई जेड बाई 800, वे जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है अब्सॉर्बर का, ई जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, मींस एनर्जी है ये इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स की इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंट्रैक्शन था बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स का मींस इलेक्ट्रॉन्स का विद मैटर के साथ, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो कि है इंट्रैक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन्स विद मैटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो है इंट्रैक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन्स विद मैटर। देखिए स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जिनको हम बीटा माइनस पार्टिकल्स भी बोलते हैं, उनका इंट्रैक्शन मैटर के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है दूसरे टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल्स जिनको हम पॉजिट्रॉन्स बोलते हैं, मीन्स पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स जिनको बोला जाता है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, वो आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं बीटा प्लस डिके के दौरान, जो कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग गवर्न होती है वो इक्वेशन बीटा प्लस डिके की। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन जो है वो बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाया जाता है क्योंकि उसका जो मास होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, बट साइन ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन यूनिट चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस वन यूनिट चार्ज होता है। तो जब पॉजिट्रॉन्स को हम फॉल करवाते हैं मैटर के ऊपर, तो मैटर के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ उनका इंट्रैक्शन कैसा रहता है, वही आज हमें डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट, जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद दोनों के दोनों जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं दो गामा रे फोटॉन्स, और हर एक गामा रे फोटॉन्स जो प्रोड्यूस होगा उसमें उनकी जो एनर्जी रहेगी वो होगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर, जो कि होती है 0.511 MeV, जो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलती है m0c2। m0 जो है यहाँ पर वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर होता है 9.31 × 10⁻³⁻³ kg के बराबर, और c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करके वो डिसअपीयर हो जाएंगे। मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो हमारे पास गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे ताकि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। ये है पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो दो गामा रे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे और दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे आफ्टर देयर प्रोडक्शन। तो ये जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस सिचुएशन में प्रोड्यूस होंगे, जब जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की और जो पॉजिट्रॉन की जो स्पिन है जब वो एंटी पैरेलल होंगी, तो दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में जाएंगे दोनों के दोनों। और जब हमारे पास
एक केस ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जब स्पिन्स पैरेलल होती हैं तो दो की बजाय तीन तीन गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और तीनों गामा रे फोटॉन्स की जो डायरेक्शन होगी आफ्टर देयर एमिशन वो इस तरह होगी कि वो तीनों डायरेक्शन आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे ताकि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन विद मैटर पार्ट बी। अ पॉजिट्रॉन विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हुज चार्ज हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं वो एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है जिसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास के बराबर होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में बट साइन जो है उनका ऑपोजिट रहता है। तो हमने यहाँ बता दिया कि पॉजिट्रॉन आखिरकार होता क्या है। अब हम बात करेंगे इसकी इंट्रैक्शन की। व्हेन अ पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन द टू पार्टिकल डिसअपीयर एंड टू गामा रे फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 0.51 MeV इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस। जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो दो पार्टिकल्स ये जो दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जिनका इंट्रैक्शन हो रहा है वो डिसअपीयर हो जाएंगे वो गायब हो जाएंगे और दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी हर एक गामा रे फोटॉन्स की इसकी एनर्जी भी और इसकी एनर्जी भी इस एनर्जी के बराबर होगी 0.511 MeV जो कि रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की या फिर रेस्ट मास एनर्जी है पॉजिट्रॉन की और ये जो एनर्जी निकली है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकली है एम नॉट सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर जो कि आइंस्टाइन का फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो रहा क्या है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो मटेरियल पार्टिकल्स से फंडामेंटल पार्टिकल से ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो है गामा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं मीन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स यहाँ पर आइंस्टाइन की फेमस मास एनर्जी आइंस्टाइन मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस का रिलेशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों पार्टिकल्स की जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब इनकी स्पिन पैरेलल होगी तो दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सके और जब इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो स्पिन है वो पैरेलल होगी तो तीन गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि तीनों डायरेक्शन आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह सके। तो इसके बाद आप क्या लिखे आएंगे थ्योरी में ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अब और इसमें क्या ऐड करके आएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विद एमिशन ऑफ टू गामा रे फोटॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनीहाइलेशन और सिंपली एनहाइलेशन। स्टूडेंट्स यहां पर एनीहाइलेशन हो रहा है मैटर का मीन्स जब दो पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं और दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनीहाइलेशन और सिंपली एनीहाइलेशन जो आपको टू मार्क्स मीन्स कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एनीहाइलेशन ऑफ मैटर। तो आप ये डेफिनेशन लिखे आएंगे और अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन द टू गामा रे फोटॉन्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनीहाइलेशन टू फोटॉन्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर एमिटेड इफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पैरेलल। अगर जो हमारे इंटरेक्टिंग पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल होगी तो दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और एंड थ्री फोटॉन्स ट्रेवलिंग इन थ्री डायरेक्शन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर एमिटेड व्हेन देयर स्पिन आर पैरेलल। जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की स्पिन पैरेलल होगी तो आपके पास दो की बजाय तीन गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और तीनों जो है 120 डिग्री पर इंक्लाइन होगी इनकी डायरेक्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एमिशन आर रिस्पेक्टिवली 1100:1। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस प्रोसेस के होने की और इस प्रोसेस के होने की मीन दो गामा रे फोटॉन्स के प्रोड्यूस होने की और तीन गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होने की जो प्रोबेबिलिटीज है अकरेंस की वो है 1100:1 मीन्स अगर 1100 टाइम्स टू गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही ये प्रोसेस होगी जिसमें तीन गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे मीन्स जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के इंटरेक्शन के कारण जो आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस रिजल्ट की होगी वो इसकी होगी कि आपके पास दो गामा रे फोटॉन्स देखने को मिलेंगे। तीन गामा रे फोटॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है बहुत ही कम होती है इसके कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स दैट इज बीटा पार्टिकल्स और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स विद मैटर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।